हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों को पढ़ने के संदर्भ में सबसे पहले तो जानते हैं कि भारतीय संविधान में कितने तरीके की अनुसूचियां रहीं, प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां हैं और मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रेजेंट में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। उनमें से कुछ अनुसूचियां हैं जो पहले मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, जिसको भारतीय संविधान के 4 अनुच्छेदों मतलब 4 संविधान संशोधन किए गए, जिसमें 12 अनुसूचियां अभी प्रेजेंट में जो है वह मूलतः इस स्थिति में आई। तो जिसमें से जो 9वां संविधान, जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसके लिए पहला संविधान संशोधन के तहत इसमें पहली अनुसूची 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जो इसमें अंतर्गत जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची को 52वीं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो 1985 में हुआ, और ये जो पहला संविधान संशोधन हुआ वह 1991 में हुआ। इसी के साथ ही जो 11वां अनुसूची और ये 12वीं अनुसूची दोनों को, इसको 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा और जो 12वीं अनुसूची है उसे 74वीं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो प्रेजेंट में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी अनुसूचियों के संदर्भ में इस भारतीय संविधान की पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, इसी तरीके से 12 ही अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि इन अनुसूचियों के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, इन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली अनुसूची आती है, पहली अनुसूची के संदर्भ में पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के घटक राज्यों, जिसमें घटक राज्यों के अंतर्गत जो प्रेजेंट में भारत में 28 राज्य है, और संघ शासित क्षेत्रों जिसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि प्रेजेंट में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके संदर्भ में है कि इसमें 28 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में इसके संदर्भ में बताया गया है। फिर भारतीय संविधान की जो द्वितीय अनुसूची आती है, द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है कि यह है इसमें भारतीय जो है वेतन भत्ते पेंशन आदि के बारे में बताया गया। वेतन भत्ते पेंशन आदि के बारे में किस किस के बारे में बताया गया, किसके पेंशन और वेतन भत्ते के बारे में बताया गया, जिसके अंतर्गत आता है कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख पदाधिकारी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, राज्यपाल आते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आएंगे, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति आएंगे, इसी के साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आएंगे, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति आएंगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आएंगे, को प्राप्त होने वाली इत्यादि को प्राप्त होने वाली वेतन भत्ते पेंशन आदि का उल्लेख भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में किया गया। अब आता है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची के बारे में जानते हैं कि तृतीय अनुसूची क्या है। तृतीय अनुसूची के अंतर्गत इसमें शपथ का उल्लेख किया गया है, जिसको सॉल्ट बी में अगर हम समझें तो उसमें किसका उल्लेख किया गया, शपथ का उल्लेख किया गया, जिसमें आता है कि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के, जिसमें मंत्री, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो यह भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची है, उसके संदर्भ में दिया गया है। अब आता है चतुर्थ अनुसूची के बारे में। चतुर्थ अनुसूची के संदर्भ में जानते हैं कि चतुर्थ अनुसूची किसके संदर्भ में दी गई है। यह है ज्यादातर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के आवंटन के संदर्भ में। तो यह आवंटन के संदर्भ में यह किससे रिलेटेड है, जिसमें आता है कि विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के विवरण का दिया गया है। तो यह राज्यों और संघीय राज्यों के प्रतिनिधित्व का वर्णन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के वर्णन की बात करती है। अब आता है भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची, जिसमें पांचवी अनुसूची में बताया गया है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो पांचवी अनुसूची है उसका उल्लेख भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसका उल्लेख किया गया। तो इसके अंतर्गत ही पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया कि भारतीय संविधान के घटक राज्यों में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। दूसरी में इसमें वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में दिया गया है। तृतीय अनुसूची के अंतर्गत इसके पद ग्रहण में दी गई शपथ का उल्लेख दिया गया हो, और जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन के संदर्भ में है, और पांचवी अनुसूची जो आती है वह अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में इसका उल्लेख किया गया। अब आती है छठी अनुसूची में क्या प्रावधान दिया गया। छठी अनुसूची के संदर्भ में कहा गया है कि यह इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों में के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसका उल्लेख किया गया। तो छठी अनुसूची है उसमें किसका प्रावधान किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो 4 जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के बारे में प्रबंध दिया गया।
इसी के साथ ही जो हमारी सातवीं अनुसूची आती है, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें केंद्र एवं राज्य के अंतर्गत शक्तियों के बंटवारे की बात कही गई है। तो इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य में शक्तियों के बीच बंटवारे की बात की गई है, जिसके अंतर्गत तीन अनुसूची आती है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचियों के अंतर्गत कुछ कार्य को आवंटित किया गया, जिसके अंतर्गत पहला आता है जिसे संघ सूची। संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय थे, जब पहले मूलतः संविधान में 97 थे, जब इस अनुसूची का निर्माण हुआ था उस टाइम पे 97 विषय थे और प्रेजेंट में इसमें 100 विषय है। इसी के साथ ही आती है राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत पहले 67 विषय आते थे, लेकिन प्रेजेंट में इसकी संख्या घटकर 61 हो गई है। इसी के अंतर्गत आती है संवर्ती सूची, जो कि इसकी तीसरी सूची है, जिसमें 47 विषय पहले थे, जो कि वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। तो यह आती है सातवीं अनुसूची, जिसमें केंद्र एवं राज्य में शक्तियों के बंटवारे को दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य सूची, जिसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची को बताया गया। अब आती है हमारी आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 22 भाषाएं किस तरीके से कि 22 भाषाएं, जैसे भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम पे इसमें 14 भाषाओं का ऐड किया गया था, लेकिन प्रेजेंट में इसमें 22 भाषाएं है। तो 22 भाषाओं को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इनको और जोड़ा गया, जो 14 से 22 तक बनी। इसमें पहले जैसे 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था उसके अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसी के साथ ही 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ उसके अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और इसी के साथ ही जो 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ उसके अंतर्गत मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया। तो इसी के साथ ही हमारी 8 भाषाओं को मिलके 14+8 मतलब 22 भाषाएं प्रेजेंट में हैं। अब आती है हमारा नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची के को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन जो 1952 में हुआ था उसके अंतर्गत इस अनुसूची को जोड़ा गया था। इस अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिकार या संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। इस अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है कि राज्य द्वारा जो संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां हैं उनका उल्लेख किया गया है, जिसमें इस अनुसूची में समृद्ध विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम को शामिल किया गया। तो प्रेजेंट में इसमें कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम है। अब आती है हमारी दसवीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची को भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत जोड़ा गया था। जो यह अनुसूची है वह दल विदल से संबंधित प्रावधान के संदर्भ में है। तो इस अनुसूची जो कि दसवीं अनुसूची है इसको 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और यह अनुसूची दल विदल से संबंधित अधिनियम से संबंधित है। अब आती है हमारी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जिसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के अंतर्गत इस अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची के अंतर्गत कहा गया कि पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो इस अनुसूची के अंतर्गत जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इस अनुसूची के अंतर्गत इसमें पंचायती राज संस्थानों को 29 विषयों पर कार्य करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी के साथ ही हमारी 12वीं अनुसूची आती है, जिस अनुसूची के अंतर्गत यह अनुसूची को 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1994 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कहा गया कि शहरी क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन संस्थानों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो पंचायती राज संस्थानों को 29 विषय प्रदान किए गए और नगरीय संस्थानों के अंतर्गत इसमें शहरी निकाय के लिए 18 विषय इसके अंतर्गत प्रदान किए गए। इसी तरीके से हमारी जो छठी अनुसूची जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से संबंधित प्रशासन के बारे में प्रावधान करती है। सातवीं अनुसूची केंद्र राज्य के भी शक्तियों का बंटवारा करती है, जिसके अंतर्गत आती है संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची आती है। इसी तरीके से आठवीं अनुसूची आती है जो कि 22 भाषाओं से संदर्भित है, जिसमें मूलतः 14 भाषाएं थी, जो प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं। इसी के साथ ही नौवीं अनुसूची आती है जो कि पहले संविधान संशोधन 1952 के अंतर्गत इस अनुसूची को शामिल किया गया था, जिसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण में विधियों का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ ही जो दसवीं अनुसूची आती है जो 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत आई हुई थी, जो कि दल बदल से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। फिर आती है 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज संस्थानों से संबंधित है और फिर आती है 12वीं अनुसूची जो कि शहरी निकायों से संबंधित है। यहाँ पर हमारा यह भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।